Hello everyone, welcome to our official YouTube channel ebooks cluster. So आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर व्हाट इफ इट फिनिशेस. सो यहाँ पर बात हो रही है किसी चीज के खत्म होने की. सो वो क्या चीज है, अगर वो खत्म हो गई तो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है. आजकल अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है कोल पे, पेट्रोलियम पे, बेसिकली पेट्रोल पे. पेट्रोल पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, डीजल पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. सो ये अगर चीजें खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, कभी सोचा है? अगर अभी तो हम बसेस में चले जाते हैं, ट्रेन में चले जाते हैं, फ्लाइट्स ले लेते हैं, हमारे पास अपनी कार है, प्राइवेट कार है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास. लेकिन अगर ये पेट्रोल डीजल ही खत्म हो जाए तो फिर ये सब कैसे चलेगा? सो हम इनको बचाना जरूरी है. सो उसी के बारे में यहाँ पर एक स्टोरी है, उसको हम पढ़ते हैं. अब बस जर्नी, सो एक बस जर्नी हो रही है जिसमें कुछ बच्चे हैं जो एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं. और वो स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं अधलज, एक स्टीप फेल है, बोली बोली हमने एक चैप्टर में पहले भी पढ़ा था, जैसलमेर की स्टोरी थी जहाँ पे बोली बनाई जाती थी, जहाँ पे पोंड पोंड में पानी इकट्ठा करा जाता था. बोली एक तरह वेल होती है एक तरह की, ठीक है. तो वहां पर वो देखने के लिए जा रहे हैं जो 18 किलोमीटर है अहमदाबाद से. सो उनका जो ये जर्नी है वो स्टार्ट होती है एक बस से. और वो देखते हैं कि यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि उनकी बस के आसपास कितने सारे व्हीकल्स हैं. सो उनमें से एक स्टूडेंट है जो जो बस की विंडो से बाहर निकल के व्हीकल्स बाइसिकल्स को काउंट करने की कोशिश कर रहा है. बट वो धीरे धीरे बोर्ड होता गया और उसने नोटिस किया कि यहाँ पर तो बहुत ही कम, बहुत ही हार्डली एनी बाइसिकल, मतलब है ही नहीं, मोस्ट एक आधी दिख जाएगी मुश्किल से. आवाजें आ रही हैं, रेड लाइट हो गई, एकदम से ब्रेक लगा और उन्होंने देखा कि आसपास जो है हॉर्न बज रहे हैं, धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, बहुत ज्यादा स्मोक हो चुका है. इसी की वजह से शायद उनको एक रिक्शा में बच्चा बैठा दिखा जो खास रहा था. सो उन्हें पता चला कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और ये सारा पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं गाड़ियों की वजह से हो रहा है और इससे हमारी अर्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है. सो इन्होंने क्या किया, एक उसने देखा बच्चे ने और उसने कहा कि मेरे को ये सब सिचुएशन सिमिलर लग रही है. अगर वो जैसे वो बच्चा खास रहा था, वो सिमिलर किससे लगी उन्हें, उसे सिमिलर उस चीज से लगी कि जब मेरे बाबा, अपने फादर को बाबा बोल रहा है कि जब वो ट्रैक्टर चलाते हैं विलेज में तो भी सेम टाइप की स्मेल आती है. ओके, क्योंकि उसमें भी तो पेट्रोल डलता है, तो ये इंजन की स्मेल है जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, आपको एक पिक्चर दी गई है पेज नंबर 110 पर. एंड यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल. अब आप कौन कौन से व्हीकल्स आप पिक्चर में देख पा रहे हो, अभी जो हमने ऊपर पिक्चर देखी. व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल, उनको पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल क्यों चाहिए. अभी बताया मैंने आपको कि जो इनकी वर्किंग होती है वो पेट्रोल और डीजल से ही संभव है, इसलिए चाहिए. मार्क ऑफ दीज व्हीकल, डू यू थिंक दे गिव ऑफ स्मोक, पुट अ रेड मार्क ऑन दू. कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जिनकी जिनमें से स्मोक निकल रहा है. व्हाट आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल डीजल, अब बिना पेट्रोल और डीजल के कौन से होता है. रिक्शा जो थ्री व्हीलर नहीं, थ्री व्हीलर में पेट्रोल और डीजल डलता है, लेकिन जो रिक्शा होती है नॉर्मल रिक्शा जो पेडलिंग करके चलती है, वो हमारी जो होती है वो उसमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है. जो हमारी साइकिल्स होती है उनमें पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है. What problem do you face from the speeding vehicles? अब इनसे problem क्या face होती है? अब अभी हमने पूरा देखा picture में, सारी problems नजर आ रही है. इसके बारे में आप मुझे comment box में जरूर बताइएगा. Do you ride a bicycle? If yes, where or do you go on it? अगर आपने कभी bicycle ride करी है, mostly बच्चे अपने घर से school तक के bicycle ride करते हैं. आपने कभी करी है तो अपना experience जरूर बताइएगा. How do you come to school? आप school कैसे जाते हैं? How do your family member go to work from home? आपके family member अपने काम पर कैसे जाते हैं. व्हाट प्रॉब्लम कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल. अब प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम होती है हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, हमारी लाइफ जो है वो, जो हमारा लाइफ स्पैन होता है ना, कि मान लो एक बंदा 60 इयर्स तक जीने वाला, उसके 10% उसकी लाइफ स्पैन का मतलब वो 50 इयर्स की एज में ही मर जाएगा. तो वो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. हमारा एनवायरमेंट जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो बहुत ज्यादा है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन वी फेस फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन से हमारे क्या हो रहा है कि जो हमारे ईयर है वो इतने ज्यादा नॉइज नहीं वो बर्दाश्त कर सकते. सो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट थिंग,
ऑन द पेट्रोल पंप। अब वो कुछ टाइम बाद उनकी जो बस थी वो पेट्रोल पंप पे रुकी और वहां पर उन्होंने देखा बहुत बड़ी क्यू थी पेट्रोल भरवाने के लिए। सो उन्होंने क्या किया, वो सारे बस से नीचे आ गए और वो पेट्रोल पंप का जायजा लेने लग गए। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो सब बच्चे नीचे आ गए और देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पे बहुत बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं। अब वो पोस्टर क्या है, वो ये है पोस्टर कि पेट्रोल और डीजल कभी भी फॉरएवर नहीं रहेंगे, हमें उनको सेव करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि उसका ड्रॉप जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे। हमें जब भी हम ट्रैफिक लाइट में रुकते हैं तो हमें इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि हम पेट्रोल बचा सके, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ये 2017 का डाटा है कि हमारा पेट्रोल उस टाइम पे क्या रेट था, आज ये 70 तक पहुंच चुका है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास इसकी शॉर्टेज होती जा रही है। We could not understand why it has written that petrol and diesel will not last forever. We thought of asking an uncle who worked at the petrol pump. अब बच्चों को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये forever नहीं रहेंगे, तो उन वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएंगे। तो अंकल ने उन्हें बताया कि जो पेट्रोल और डीजल है ना, वो हम काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड से लेकर आते हैं, और जो ये पेट्रोल डीजल है ये नेचुरली बनते हैं, हम नहीं बनाते, कोई ह्यूमन बींग उसे नहीं बनाता, कोई मशीन उन्हें नहीं बनाती, वो नेचुरली बनते हैं और उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने वो लिखा हुआ है कि नेचुरली बट वेरी स्लोली मिलियंस ऑफ ईयर्स, यू कैन इमेजिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और ये डेड रिमेन से बनते हैं ऑर्गेनिज्म के, डेड एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके डेड रिमेन से ये बनता है, तो बहुत साल लग जाते हैं इसको बनने में। सो अगर हम इसको ऐसे ही खत्म करते रह गए तो फिर तो आगे बचेगा ही नहीं ना, आगे वाली जनरेशन उस चीज का यूज ही नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला देन वी डोंट नीड टू बाय इट ना, वी टेक इट आउट योरसेल्फ यूजिंग अ बोरवेल। सो उन्होंने बच्चे ने वहां पे जवाब दिया ब्रायम ने कि हमें क्या जरूरत है इसको बाय करने की, हम तो बोरवेल में से उसको निकाल लेते हैं जैसे हम वाटर को निकालते हैं। तो अंकल ने उनको बताया कि हर जगह वो नहीं पाए जाते, कुछ ही ऐसे प्लेसेस हैं हमारी कंट्री में जहां से हमें ये ऑयल मिलता है। सो योर क्वेश्चन, Which state of India have oil fields? So, हमारी कुछ states हैं जहाँ पर ये से मिलता है, जैसे हमारी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से ये मिलता है, मिजोरम है, मिजोरम से हमें मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, तमिलनाडु में हमें oil fields मिलते हैं, और राजस्थान में कुछ oil fields हैं, राजस्थान में, और कुछ oil fields हमें अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। ओके, एक ये आंध्र प्रदेश था फर्स्ट वाला, और ये अरुणाचल प्रदेश। ओके ओके, नाउ बिसाइड ओवर व्हाट एल्स वी, अब बिना अब सिर्फ ऑयल्स तो हम नहीं पाते माइंड से, हमें और क्या मिलता है, हमारे जो बेसिक मिनरल्स हैं, हमारे जो मेटल्स हैं, हमारे जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, वो भी हमें वहीं से मिलते हैं। अब फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस इन द क्लास। अब अभी ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आप जानिए और अपने साथ डिस्कस करिए। नेक्स्ट थिंग, Why should use petrol? We should use petrol judiciously. Think why? क्यों हमें ऐसे use करना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कुछ time बाद खत्म हो जाएगा। They discuss further. बच्चों ने आगे discussion शुरू करी। अब उन्होंने बोला, दिव्या ने बोला कि पेट्रोल अगर खत्म होने वाला है तो पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। पोस्टर ने यही तो कहा, तो उसका मतलब यही है कि वो खत्म होने वाला है। तो अंकल ने बोला कि ये इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज बिकॉज इट टेक्स अ लैक्स ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर टू बी फॉर्म अराउंड द अर्थ। सो वही चीज उन्होंने दोबारा बताई। अब्राहम ने बोला कि जो अगर क्या होगा, हाउ विल अगर ये ऑयल खत्म हो जाए तो हमारे व्हीकल्स चलेंगे कैसे। मंजू ने कहा ONCNG, CNG पे चल सकते हैं। मैंने टीवी में देखा था कि हमारे कुछ व्हीकल्स हैं जो CNG पे चलते हैं और वो लेस स्मोक जो है वो काफी कम क्रिएट करते हैं। CNG दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो पेट्रोलियम का ही अनदर फॉर्म है जिसकी वजह से इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है। तो अंकल ने कहा कि दैट टू कम्स फ्रॉम द बिलो ऑफ द अर्थ, इट ऑल्सो लिमिटेड, वो भी लिमिटेड है भाई, वो भी वहीं से आ रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा अगर उसी को बार बार तुम यूज करते रहे। तो दिव्या ने आगे बोला इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज, वी कैन यूज इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। अब्राहम ने कहा कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वी हाउ इफ विल वी हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप। कहते कि हमें कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे चल के इधर उससे उधर जाएंगे कहाँ से। दिव्या आगे कहती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी कि अगर उन्हें पता चले कि व्हीकल्स काफ़ी कम हो गए हैं रोड पर, क्योंकि वो देखती है, वो जब भी वो बोलती है देखो कैसे चींटियों की तरह रेंग रहे हैं, और आजकल यही हो रहा है, चींटियों से ज़्यादा तो हमें व्हीकल्स नजर आते हैं रोड पर। मंजू,
अब देखो टू और फोर पीपल सिटिंग इन इन दिस कार, व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ कार. वो कहते हैं कि हर कोई यूज क्यों नहीं करता कार. अब्राहम ने कहा ये सेव कर रहे हैं पेट्रोल को, अगर अगर हमें सेव करना है तो हमें क्या करना, एक बस लो और उसमें कई सारे लोग चलो, उससे पेट्रोल की बचत होगी. मंजू आगे कंटिन्यू करते हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक इन्वेंट करूंगी कार जो सनलाइट से चलेगी. सो हमें वरी करने की जरूरत नहीं है और ये सनलाइट तो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए होगी और हम इसको यूज कर सकते हैं जितना हम चाहें. सो हमारे यहाँ पर दो टाइप के रिसोर्सेज हैं. कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, वो है हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें हमारे ओल्ड पेट्रोलियम सब आ जाता है. कुछ चीजें हैं जिसको आप रिन्यू कर सकते हो जो बन जाएगी, जैसे हमारे सनलाइट है, एयर है, वाटर है, ये सब आपको मिल रही है अभी अच्छे टाइम पे मिल रही है. लेकिन अगर आप किसी भी चीज का ज्यादा यूज करते हो ना तो वो खत्म हो ही जाती है, इसलिए थोड़ा अपने यूजेज पे कंट्रोल कीजिए. नेक्स्ट थिंग ट्रेजर फॉर्मर. अब ट्रेजर क्या है, ये सब ट्रेजर है जो हम अर्थ से पाते हैं, चाहे वो केरोसिन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ऑयल हो, ये सब हम चीजें अर्थ से पाते हैं. अब क्या है, ये इतना इजी नहीं है वहां से डक करना, हमें बहुत टाइम मिलता है, साइंटिस्ट लगते हैं, इक्विपमेंट लगती है, मशीन्स लगते हैं वहां पर, पाइप्स लगाई जाती हैं, मशीन लगाई जाती है जिससे पेट्रोल पंप किया जाता है और वो जो ऑयली होता है वो स्मेली होता है, थिक होता है, डार्क कलर्ड होता है, फिर उसके अंदर काफी चीजें मिक्स की जाती हैं, उसको क्लीन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है जहाँ पे वो रिफाइन होता है और फाइनली आपको पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोल मिलता है जिससे अलग अलग चीजें बनती है, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोल इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी, वैक्स, कोलेटर, ग्रीस, ये सब उसी चीज से आपको मिलती है. ओके, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. आई रिमेंबर दैट समथिंग बाबा कीप्स द इंजन ऑन द ट्रैक्टर ऑन व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स. उसको याद आया कि बाबा भी तो ऐसे ही करते हैं, वो तो किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं और जो इंजन है वो चलता रहने देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑयल वेस्ट होता है. तो वो कहता है कि वो कितना ज़्यादा ऑयल वेस्ट कर देते हैं और वो कहता है कि मैं घर जाके उनको बोलूँगा कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट थिंग. अब कुछ क्वेश्चन है, What all can vehicles run on? अब वो vehicles किस पे चलते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा. What kind of problem will we face if the number of vehicles keep on increasing? अगर vehicles बढ़ते ही चले गए तो क्या होगा, ये भी आपको पता चल गया है. मंजू said, Why doesn't everyone use a bus? What do you think? Why don't people travel by bus? अब भाई यहाँ पर आ जाता है प्रायोरिटी का ऑप्शन, प्रायोरिटी के साथ साथ यहाँ पे आ जाता है स्टैंडर्ड का ऑप्शन. हर कोई बस में क्यों नहीं जाता, क्योंकि हर किसी को अपनी गाड़ी दिखानी है. अगर हम यही सोच रखेंगे तो हमारे जो ये जो मेन हमारे रिसोर्सेज हैं ये खत्म हो जाएंगे और उसके बाद तो भाई बस छोड़ो, बैलगाड़ी पे आना पड़ जाएगा. Suggest some ways to deal with the problem arising out of the growing numbers of vehicles. कुछ ways आप भी मुझे suggest करो कि आप क्या कर सकते हो कि ये vehicles ना बढ़े. क्या benefit है अगर आप engine switch off कर देते हो red light के time पर. Okay, next thing, ये भी आप मुझे बताना. यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास एक यहाँ पे table बनी हुई है. How much oil, how much petrol can be filled at a time? Scooter, car और tractor में एक time पे कितना petrol लगता है और कितनी देर का, एक लीटर कितने देर का डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये भी आपने मुझे यहाँ पे बताना है. नेक्स्ट थिंग, द रेट ऑफ द पेट्रोल्स आर डिफरेंट इन ईच सिटी. द रेट ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर हियर. यहाँ पे आपको टेबल में पेट्रोल के रेट दिए हुए हैं. 2002 अक्टूबर में रेट जो पेट्रोल का था वो 29 था, 2007 में ये 43 हो गया, 2014 में ये 67 हो गया और आज ये 70 क्रॉस कर चुका है. और ऐसे ही डीजल का रेट भी बढ़ता ही जा रहा है. तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007, यहाँ से यहाँ का कंपेयर किया गया है पेट्रोल का रेट. तो उन्होंने बोला कि कितने रुपीस बढ़ गया. अब पेट्रोल का रेट उन्होंने पूछा है, अब हमारा जो 2014 में था वो 67.86 था और अब वो बढ़ के अब वो बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 63.52 से बढ़ गया है. दैट मीन्स वो 24 रुपीज बढ़ चुका है, 24 रुपीज बढ़ गया है. और द रेट ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय, और व्हाट विल बी द रेट ऑफ डीजल. डीजल कितना बढ़ गया हमारा, यहाँ पर हमारा 58 हुआ करता, हमारा यहाँ पर 58.7 हो गया है और पहले हमारा डीजल का रेट था 30.48. दैट मीन्स हमारा यहाँ पर जो डीजल कितने साल में बढ़ा, हमारा 7 साल में हमारा यहाँ डीजल 28 बढ़ गया. दैट मीन डीजल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डीजल की बनने शुरू हो गई, इसलिए डीजल का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया. ओके,
व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, आपके एरिया में क्या प्राइस है. एक्चुअली ये ऑल ओवर इंडिया फिक्स रहता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है. व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, क्यों बढ़ रहे हैं. मैंने आपको रीजन बताया था अभी, क्यों बढ़ रहे हैं रिसोर्सेज, ये जो हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं. इन वन मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज इन योर होम. अब अगर आपके घर में कोई व्हीकल है तो एक मंथ में आप कितना पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हो. ओके, तो भी आपने मुझे बताना है. वन पोस्टर इज गिवन हियर, यहाँ पे एक पोस्टर दिया गया है कि कहाँ कहाँ ये पेट्रोल और डीजल वगैरह सब यूज होते हैं. ड्राई क्लीन में यूज होते हैं, लाइटनिंग में, एरोप्लेन्स में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में, कैरोसिन ऑयल, दैट इज इन होम कुकिंग, मशीन्स को रन करने के लिए जो हमारी घर में मोटर लगी होती है जो पानी को पंप करती है उसमें भी यही सब जाता है. और जो पेंट्स हैं ये बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, इन सब में हमारी ये चीज़ें यूज होती हैं. तो आपने आपको पता चल गया वेयर ऑल इज ऑल यूज एंड वेयर इज डीजल यूज, डीजल का यूज होता है, ये भी आपको पता. सो हमारे ये जो यूजेज हैं ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. और इसको लेकर एक पोयम है, हु एम आई, आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो, आई विल लास्ट लॉन्गर इफ यू यूज मी विद केयर, आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, आई लाइक योर लैंप्स, आई कुक योर फूड, आई रन योर मशीन्स, फ्लाई प्लेन इन द स्काई, हु इज मोर यूजफुल टू पीपल देन आई. If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is the life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? So, यहाँ पर पेट्रोल अपनी एक पोयम सुना रहा है आपको कि मैं कौन हूँ. वो एक ब्लैक थिक मटेरियल है जो आपकी लाइफ उसके बिना इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर वो खत्म हो गया. सो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें उसे कैसे यूज़ करना है. अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग, बट वुड हैपन इफ यू डू नॉट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन. अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सोच के देखिए. सजेस्ट सम वेज टू सेव फ्यू ऑयल, क्या कर सकते हो. अब यहाँ पर क्या है, वुड फॉर चूल्हा, चूल्हा जलाने के लिए वुड की ज़रूरत होती है. यहाँ पे एक स्टोरी है, हरियाणा से एक लेडी है दुर्गा, वो हरियाणा की एक विलेज में रहती हैं और वो एवरीडे स्पेंड करती हैं मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड. अब आप यहाँ देख रहे हो वुड इकट्ठा करके लेकर आ रही है. सो उनकी जो डॉटर है वो उनको ऑल्सो हेल्प करती है सेम काम में. और फिर वो 3 मंथ्स के लिए खांसती रहती है. क्यों क्यों खांसती है वो, क्योंकि जो उसमें से स्मोक निकलती है ना जब वो वुड को बर्न करती है उसकी वजह से उनको खांसी होती है. बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनको उनके पास गैस नहीं है जिससे वो खाना बना ले, उनके पास पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कुछ नहीं है. उनके पास यही चीज़ है, जितनी पैसे हैं उसमें बस वो खाना बनाने के लिए वुड का ही यूज कर सकती है, इसलिए उनको ये चीज़ करनी पड़ रही है. हाउ हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड्स और मेक काउ डंग्स केक्स एंड हाउ आर दे मेड, क्या आपने कभी ऐसा किया है. अगर नहीं किया है तो अपने आसपास किसी गांव में जाइए और वहां पर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए. डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट ड्राई वुड्स और लीव्स एंड टू बी यूज फॉर लाइटिंग अ चूल्हा, क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो. अगर नहीं जानते तो अपने एल्डर्स से पूछिए, वो जरूर जानते होंगे. हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कोई एक कौन खाना बनाता है. वट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया, वहां पे खाना कौन बनाता है और किस तरीके से खाना बनाता है, ये है काउडंग्स, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो. इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, दैट इज द काउडंग, व्हाट डिफिकल्टी डू दे फेस ड्यू टू स्मोक, अब उसकी वजह से उनको खांसी होती है, उनके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से, जो उसमें से स्मोक निकलता है उसकी वजह से. कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, क्या वो कुछ और यूज कर सकते हैं. नहीं कर सकते, अब क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है इतने, वो गरीब है काफी, इसलिए वो यूज नहीं कर सकते. टुडे अबाउट 2/3 ऑफ पीपल इन आवर कंट्री यूज उपला वुड एंड ड्राई ट्विग्स एक्सेट्रा. दीज वर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म, वो अपने रूम में भी इस चीज को रखते हैं जिसको हम अंगीठी भी कह सकते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, ठंड में उनका जो रूम होता है वो काफी गर्म रहता है और वो उसको पानी गर्म करने के लिए भी यूज करते हैं. और काफी एक्टिविटीज जो हम घर में गैस के थ्रू करते हैं, LPG के थ्रू करते हैं, वो सारी चीजें वो इनके थ्रू करते हैं. नेक्स्ट, Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel.
It also shows that the use of which fuel has increased, which will use of fuel, which fuel has decreased in the past 20 years. अभी 20 years का difference का graph है, दो graph दिए गए हैं, एक 1976 का था, एक 1996 का था. तो 20 years में क्या-क्या change आया, वो आपको इस graph में पता चलेगा कि पहले हमारे उपले और wood थे, वो 84% use किए जा रहे थे, अब वो सिर्फ 75 पे आ चुके हैं. अब ये एलपीजी और केरोसिन पहले 10 थी, अब 18 पे आ चुकी है. कोल 5 थी, अब 2 पे आ गई है. और इलेक्ट्रिसिटी 1 पे थी, अब उसका यूज ज्यादा हो रहा है और वो 5 पे आ गई है. सो यही चीजें आपको क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड है. मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज बड़ी कौन सी नहीं, इसको भरने की कोशिश करिएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग, find out from your elders when they were young what was then used to cook food at home. जब वो young थे तब उन्होंने experience करा, किस type का experience किया, उनसे जरूर पूछेगा और मुझे comment box में बताएगा. In the past 10 years use of which cooking fuel has increased in your area. past 10 years में कौन से cooking fuel का जो use है वो बढ़ गया आपके area में, और कौन सा fuel का use जो है वो घट गया आपके area में, वो भी बताइएगा. guess the use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 year. आगे चल के किस fuel का usage बढ़ जाएगा या घट जाएगा वो भी मुझे बताएगा. So हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हमारे जो resources हैं वो कैसे खत्म हो रहे हैं, कैसे हम उनको रोक सकते हैं खत्म होने से, क्या क्या हम चीजें use कर सकते हैं कि वो उनका जो resources है वो उनका जो usage है वो कम हो सके. हम क्या क्या चीजें अपना सकते हैं, जैसे अगर एक गाड़ी में एक ही बंदा ट्रेवल कर रहा है तो उस गाड़ी को उसी एक गाड़ी में आसपास के 5-6 लोग बैठकर जा सकते हैं. अगर आपके आसपास से कोई बस जाती है तो आपको गाड़ी की नीड नहीं है, बस में जा सकते हैं आप, साइकिल का यूज कर सकते हैं, उससे आप फिट भी रहेंगे. सो ये सारी चीजें आपको देखनी है. और आपने ये चैप्टर, अगर कुछ और ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया और कुछ और आपके व्यूज हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरे चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू.